आज मैं आपको सिखाऊंगी बालूशाही बनाना, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट से। और एक कप मैदे में मैं आपको आधा किलो बालूशाहियां बनाना सिखाऊंगी। इसकी मेजरमेंट मैंने बहुत छोटी रखी है ताकि लोगों को घर में बनाना इजी रहे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं, उसे दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका सिरप। इसके लिए हमें चाहिए चीनी। चीनी जो है देखेंगे आधा किलो चीनी ली है मैंने इसमें। मैं आपकी आसानी के लिए इसे कप में भी बता देती हूँ, तो ये 2.5 कप चीनी है। और अगर से आप इसे ग्राम में लें तो ये 500 ग्राम है। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी मैंने लिया है 250 ml। अगर से आप कप में लें तो 1¼ कप लेंगे। अब हम पानी भी डाल देते हैं। बालूशाही का जो सिरप बनता है उसकी मेजरमेंट बहुत सिंपल होती है। जितनी इसमें चीनी ली जाती है उसकी हाफ क्वांटिटी पानी लिया जाता है इसका। अब सिरप को जो है हम हल्की आग के ऊपर पकाएंगे ताकि इसका दाना जो है वो मेल्ट हो जाए। और देखें इसमें आप बीच बीच में चमचे जरूर चलाते रहिएगा ताकि जो चीनी जो है वो कैरेमल ना हो। अगर से कैरेमल हो जाती है तो इसका जो जायका है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए चमचे चलाते रहिएगा बीच बीच में और आग हल्की ही रखिएगा ताकि अच्छी तरीके से इसका दाना मेल्ट हो जाए। अब ये देखिए दाना जो है वो बिल्कुल चीनी का मेल्ट हो गया है। अब देखेंगे चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, ज़रा सा भी दाना नहीं है। इसके बाद हम जो है सिर्फ इसे एक जोश देंगे, यानी एक दफ़ा बबल्स आएंगे, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो इसके लिए हम तेज़ आग कर लेते हैं। अब देखिए तेज़ आग कर ली, अब बबल्स आ रहा है, अब बस हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे चूल्हे से हटा लेते हैं सिरप को। और अब इसे हम ठंडा होने देंगे, बिल्कुल हल्का गर्म जब ये रह जाएगा तब हम इसके अंदर बालूशाहियाँ डालेंगे। इसलिए सबसे पहले आप यही स्टेप करिएगा, सिरप ही बनाइएगा सबसे पहले। और अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए घी 1/4 कप, और इसे पूरा डालिएगा, ज़रा सा भी बचना नहीं चाहिए। ये और इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हम पानी। पानी भी हम 1/4 कप डालेंगे, यानी घी और पानी की मिकदार जो है वो सेम होगी। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग सोडा 2 चुटकी। अगर से आपको चुटकी से अंदाज़ा ना हो तो आप 1/4 टीस्पून ले लीजिएगा। और इसके बाद डाल देते हैं इसके अंदर हम दही 1 टीस्पून भर के, और डाल के इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके बाद हमें चाहिए इसके लिए मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप, यानी 100 ग्राम, और इसे हम छान के डालेंगे। ये मैंने डाल दिया और डाल के इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे हाथ से गूंदेंगे। देखिए गूंदते वक्त जो है हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे मजीद। और जैसे हम घर का आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे गूंदेंगे हम, ये आप देख लें। ये हमने इसे गूंद लिया है और इसके बाद हम जो है इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने देखें 4 हिस्सों में से डिवाइड कर लिया और एक हिस्से को हम रोल करेंगे इस तरीके से। और इसे भी हम 4 ही हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम इसकी बॉल बनाएंगे।
और इसे चार हिस्सों में काट लेंगे। और देखिए ये हिस्सा होगा कटा हुआ हिस्सा, उसे हम हाथ पे रख के इसकी सबसे पहले बॉल बनाएंगे और उसके बाद देखिए हाथ से इस तरीके से रोल करेंगे। जितना अच्छा रोल करेंगे उतनी ही लेयर्स बनती हैं। तो इसी तरीके से करने के बाद आप फिंगर से या थंब से इस तरीके से सुराख कर लें, होल कर लें। और देखिए उसी तरीके से हम मज़ीद सारी बनाएंगे। वन बाय वन सारी बना ली है हमने और अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो इसके लिए देखिए मैंने लिया है घी, मैं इसे मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो घी ले लें या तेल ले लें। और इसके बाद हम इसमें छोटा सा पीस डाल देंगे। जब ये फ्राई होके ऊपर आएगा तब हम जो है हमारा तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तब हम डालेंगे बालूशाहियाँ इसमें सारी। और देखिए आग मैंने कितनी हल्की रखी हुई है, इतनी हल्की रखी है कि चूल्हा जो है वो बंद हो जाएगा अगर इससे ज़्यादा मैं इसे हल्का करूँ तो इतनी ही हल्की आग के ऊपर आपको पकानी है। ये तेज़ गर्म में ये नहीं बनती, हल्की ही तेल गर्म में बनती है ये। अब देखिए पीस जो है ये ऊपर आ गया है तो अब हम इसमें हम डाल देते हैं बालूशाहियाँ। देखिए अगर से आपने आग को जो है वो तेज़ कर दिया तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए आग बिल्कुल हल्की रखें जितनी मैंने आपको बताई है कि अगर से आप उससे ज़्यादा चूल्हा हल्का करें तो आग बंद हो जाए। इतनी हल्की आग आपको रखनी है, बिल्कुल आखिरी आग। और अब देखिए इस दरमियान जो है वो आप चमचा नहीं चलाएंगे, ज़रा सा भी, हल्की आग के ऊपर इसे पकने देंगे। और देखें अब ये ऊपर आ रही है वन बाय वन। जब ये सारी ऊपर आ जाएंगी तो उसके बाद हम जो है आग को हल्का सा तेज़ करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। अब देखिए ये ऊपर आ गई है, इसके बाद हम बिल्कुल हल्की सी आग बढ़ाएंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगी तो हम इन्हें पलट देंगे और देखेंगे जो एक साइड से गोल्डन होंगी ये तकरीबन 5 मिनट में होंगी। अगर से आपकी इससे 5 मिनट से पहले हो जाती है तो इसका मतलब है आपने आग तेज़ रखी है। अब ये एक साइड से हो गई हैं, अब हम इन्हें पलट देते हैं। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन हो गई है एक साइड से। अब दूसरे साइड से जो ये होंगी 2 से 3 मिनट में ये दूसरे साइड से गोल्डन हो जाएंगी क्योंकि तेल ऑलरेडी काफ़ी गर्म हो गया होगा। और अब ये देखें दूसरे साइड से भी हो गई हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं और डायरेक्ट हम इन्हें जो है वो सिरप में डालेंगे। और सिरप देखें बिल्कुल हल्का गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म में नहीं डालिएगा, पहले सबसे पहले सिरप ही बनाना स्टार्ट करिएगा तो ये ठंडा हो जाएगा, इतना गर्म नहीं रहेगा। और इसके बाद देखें सिरप के अंदर हम एक साइड से इसे 2 मिनट रखेंगे और दूसरे साइड से 2 मिनट रखेंगे तो टोटल 4 मिनट हम सिरप में इसे छोड़ेंगे। एक साइड से हो गई थी, मैंने पलट दिया। अब देखिए दूसरे साइड से भी हो गई है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये 4 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगी और इसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आप सिरप पे नहीं छोड़िएगा इन्हें। बालूशाहियाँ रेडी हो गई हैं। ये रेडी हो गई है, अब इसे आप पिस्ते से गार्निश कर लें।
अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।